हेलो एवरीवन, चैलेंजिंग सीरीज के डे 87 में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की ओर। जो लोग मेरे बारे में या चैलेंजिंग सीरीज राउंड के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को पॉज करके कंटेंट को पढ़ के पूरी जानकारी ले सकते हैं। हम लोगों का स्पेशल मैथ टेस्ट सीरीज चल रहा है पटना में, जो लोग हैं इसका पार्ट बन सकते हैं। BSC अकेडमी राजेंद्र नगर ब्रांच और बोरिंग रोड ब्रांच दोनों ही जगह ये टेस्ट अवेलेबल है। देखो सवाल में क्या है, द रेशियो ऑफ द मार्क प्राइस, रेशियो जो है मार्क प्राइस ऑफ क्या, सेम ट्राइपॉड इन टू शॉप्स ए एंड बी इज 7:5। ठीक है, ए और बी में जो एम पी दिए हुए हैं, ए का एम पी और बी का एम पी, यहाँ से मैंने बोल दिया 7 और कितना है 5। ठीक है, बोल रहा है इन शॉप बी। अब ध्यान रखना कि ये शॉप ए बी दिए हुए, तो स्टार्टिंग जरूरी नहीं है कि ए से ही शुरू हो। इन शॉप बी ट्राइपोड इज अवेलेबल एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ D% एंड 10%। ठीक है, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन जो है, मैं आपको यही इंडिकेट करा रहा हूँ इस वीडियो से, इसका जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है इस टाइप के क्वेश्चन का वो क्या है। ठीक है, D% और 10% का 2 सक्सेसिव डिस्काउंट देता है, यानी कि 5 हम बोल देते हैं 5 रुपया, या आप चाहो तो एक्स भी बोल दो, लेकिन वो कट जाने वाला है। ठीक है, एक D% का डिस्काउंट दिया, एक 10% का। तो जब 10% रहता है तो आप क्या बोलते हो, 90/100, सीधा सीधी 100 घटा देते हो। जब D है तो इसे आप क्या बोलोगे, ब्रैकेट में 100 - D/100, कितना हमारा 100। ठीक है, अब आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है, वाइल इन शॉप ए, शॉप ए में ट्राइपोड इज अवेलेबल एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स पे ऑफ 10% एंड 25%, कितना पे, 10% और 25% पे। तो 7 रुपये का था ये ट्राइपॉड ए के लिए, 10% का डिस्काउंट मतलब क्या 90/100, और 25% का मतलब क्या 75/100। अभी कुछ काटना छाटना नहीं, अभी ध्यान दो क्या बोल रहा है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राइपॉड एट शॉप बी इज लेस देन दैट ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राइपॉड एट शॉप ए, सेलिंग प्राइस ऑफ बी जो है ए से कम है, बाई कितना 44/105। ठीक है, 44/105 कम है, तो 44/105 का मतलब क्या हो गया कि 105 में 44 घटा दो, आपको क्या मिलेगा 61, और बटा में कितना 105 से मुझे क्या करना है, गुना कर देना। जैसे कि आपको बोलते हैं अगर 1/4 से आपको कम करना है, तो 1/4 से कम करने का मतलब क्या है, निगेटिव में, यानी कि 4 में 1 घटा देंगे, यानी कितना 3/4 से आप क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे भी करना है, ए से ना कम है, यानी कि ए की तरफ हमें क्या करना है 61/105 से गुना कर देना, और ये किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर हो जाएगा, एज सिंपल। अब देखो यहाँ पे आप इसे एक्स लेते हैं, यहाँ पे भी इसे एक्स लेते हैं, एक्स एक्स खत्म हो जाता। अब जो मेन मेन चीज है वो सबको काटते चले जाओ, सारा चीज आपस में ना एक बार में कट जाएगा। देखना यहाँ पे 90/100 खत्म हो गया क्या, 7 से 105 15 बार में, 15 से 75 5 बार में, ये 5 से ये 5 खत्म, ये 100 से ये 100 खत्म, खत्म हो गया, बिल्कुल सवाल खत्म हो गया। मुझे ये D का ही वैल्यू निकालना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ D, तो यहाँ से मुझे मालूम हो गया 61 = कितना 100 - कितना D, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 100 - कितना 61, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है D की वैल्यू है वो कितनी है 39%। ठीक है, यानी कि D की वैल्यू कितनी निकल गई, 39 निकल गई। एल्स आप किसी भी प्रोसेस से कर लो, इससे आसान नहीं होने वाला है। और सिंपली कोई भी सवाल आता है तो वो हमारा सबसे पहले, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सवाल आता है उसको ज़्यादातर आसान हम लोग बेसिक से ही बना सकते हैं, कोई ट्रिक कुछ काम नहीं करने वाला है। ठीक है, तो आप देख, वो आप लोगों को, सब लोगों को क्लियर होगा ये।